दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कला दीर्घा मुंबई के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यक्षिणी, आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं संतोष सावंत। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। रहेजा से कला स्नातक, एक लंबे समय तक एनिमेशन में रेखाओं के माध्यम से चित्रों को जीवंत करने वाले संतोष ने अपने वाटर कलर को अनेक डॉट्स नामक प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया है। तो आइए मिलते हैं आज के कलाकार से। तो मेरा नाम संतोष सावंत है और मैंने मेरा एजुकेशन रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट अप्लाइड आर्ट में किया है। 97 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मेरा जर्नी चालू हुआ एज अ मैं प्रोफेशनली एनिमेटर। तो मेरा जर्नी जो है एनिमेशन से चालू हुआ। पेंटिंग्स मेरे शौक है कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें देखना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है और लोगों से मिलना पसंद है। और उसके साइड में मैं पेंटिंग्स भी करता हूँ। वाटर कलर मेरा फेवरेट मीडियम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जगह को कैप्चर करूँ, लोगों को कैप्चर करूँ। तो ये मेरा कोशिश चालू रहता है। तो यही कोशिश का जो एग्जीबिशन है अभी जहांगीर आर्ट गैलरी में मुझे मौका मिला एग्जीबिट करना है करने का। तो जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा फर्स्ट सोलो शो है। वैसे मैंने ग्रुप शोज बहुत सारे किए पहले, लेकिन सोलो शो मेरा मुंबई में फर्स्ट टाइम हुआ। और मेरे शो का नाम एनेक्डोट्स है। एनेक्डोट्स माने छोटा छोटा कहानियाँ। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो कैप्चर करने की मेरी कोशिश है ये, और उसको आप प्लीज़ आके एंजॉय कीजिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मेरा नज़रिया है ये देखने का। जैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ वैसे मैं वाटर कलर में उतरने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। एनिमेशन मेरा चालू हुआ 98 में, जैसे मैं पास आउट हो गया तो वहाँ से मेरा एनिमेशन का जर्नी चालू हुआ। मैंने बहुत सारे स्टूडियोज़ में काम किया। फिर 2010 में मेरा खुद का स्टूडियो मैंने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम आफ्टरनून फिल्म्स है, और अभी तक वही जर्नी कंटिन्यू चालू है मेरा एनिमेशन में। एनिमेशन में मेरा मेंटर है, मेरे दो मेंटर है। पहले तो है अजीत राव और दूसरे है दिमंत व्यास सर, जो जिन्होंने मुझे स्टॉप मोशन एनिमेशन सिखाया। ये दो मेरे मेंटर है। और ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे कि कुछ लोगों से मैंने एनिमेशन का टेक्निक सीखा है, कुछ लोगों से मैंने स्केचिंग सीखा, कुछ लोगों से मैंने वाटर कलर्स सीखा, और उसके अराउंड मेरा ये जर्नी चालू हुआ पेंटिंग्स तक लेके आया मुझे। तो मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ पेंटिंग्स का वो था 2014 में। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैं एक मेंबर बन गया, और जो मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया विक्रांत चितोय ने, और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ मुझे एक बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला मेरे दोस्तों का। आनंद महाजनी है, शरद तावड़े है, डैनी है, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कैलाश है, विवेक है, और डॉक्टर नेने है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे अपनाया वो ग्रुप में, और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ औरंगाबाद से। मेरा फर्स्ट टूर था औरंगाबाद। औरंगाबाद मैंने पहले शुरुआत किया, कोशिश किया पेंटिंग्स का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा वो जर्नी। फिर बाद में मैंने कंटिन्यू किया। 2015 में मैं फिर चित्तौड़गढ़ गए। हम लोग काफ़ी सारे प्रदेश घूमे इंडिया में, जैसे कि एलेपी है या फिर बनारस है, गोवा है। तो हम लोग बहुत सारे जगह पे जाके ये ट्रैवल डायरीज जैसा मेरा कोशिश रहा है। फिर ऐसे करते करते मैं एक स्टाइल तक इवॉल्व हो गया
जो स्टाइल मुझे कंफर्टेबल लगने लगा और मैं वहाँ पर उसका एक्सप्रेशंस जो भी बिल्डिंग है या मैं कैरेक्टर्स ढूंढने लगा उसमें और मैं वो पेंट करना चालू किया। तो ये रहा मेरा जनरल जर्नी। धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है या आगे और क्या देखना सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।